Cutting across live in New Delhi to that cricket conclave, can India defend the World Cup title is what's being talked about. अब सोच सकते हैं कि रन्स हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पिचेस ब्रिस्बेन हो, मेलबर्न हो, सिडनी हो, वहां पे एक अलग सा बाउंस होता ही होता है. साउथ अफ्रीका में भी होता है. तो इस चीज को आप जो इनकी जो कंडीशंस है, इनकी जो डे इन डे आउट जैसे क्रिकेट होते गए, वो आप ज्यादा बदल नहीं सकते. हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा इंग्लैंड ने विकेट कितना घूमा जब हम दोनों गए थे वहां पे, और हमने टर्न देखकर चौंक गए कि मई में इंग्लैंड में इतना स्पिन कैसे हो सकता है. तो कंडीशंस ज्यादा चेंज नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं इस भारतीय टीम में वो क्षमता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाके भी जीते, क्योंकि हमारे पास ऐसे मैच विनिंग प्लेयर्स हैं. आमिर, कहते हैं ना कि घर के अंदर आपको अंदाजा ज्यादा रहता है बेहतर कि मेरे पास क्या है क्या नहीं, लेकिन कई बार घर के बाहर आप खिड़की से देख लेते हैं, आपको बेहतर दिखता है. आपके लिहाज से भारत की सबसे बड़ी ताकत और भारत की सबसे बड़ी कमजोरी? आई थिंक एट टाइम्स ओवर कॉन्फिडेंस. और जिस तरह भी सौरभ ने कहा है कि हमारे पास हमारी कभी भी स्ट्रेंथ नहीं रही फास्ट बॉलर्स की. हमारे पास कभी वसीम अकरम या ये बॉलर नहीं आए. वसीम अकरम, वकार, यूनुस और ये जो लोग जब आए थे, ये बहुत ज्यादा रॉ थे. इनके पास टैलेंट था, लेकिन वो वाली एबिलिटी नहीं थी कि दूसरी टीमों को अपसेट करें. इनको टाइम लगा थोड़ा, और उसके बाद इमरान खान की लीडरशिप में इन्होंने बड़ी जल्दी सीखा, और वो प्रैक्टिस में लेके आके फिर मैच में लेके आए. अब आपके पास फास्ट बॉलर्स आने शुरू हो गए हैं. इफ यू सी द टैलेंट ऑफ नेहरा, जहीर खान आपके पास आए. पहले तो आपके पास मीडियम पेसेस थे, अब आपके पास फास्ट बॉलर्स आने शुरू हैं. जो भारत की वीकनेस है वो माइंडसेट नहीं चेंज कर सके. जब आपके पास पेस बॉलर्स आ रहे हैं तो व्हाई कांट यू ग्रूम देम, व्हाई कांट यू एक्चुअली मेक देम मैच विनर्स. तो ये कमजोरी बहुत बड़ी है जो सामने आ रही है. आपको जो है माइंडसेट ये चेंज करना पड़ेगा, और आपकी स्ट्रेंथ जो है लाइक सौरभ सेड बैटिंग है. मैं ये कहूंगा, सजेशन यही है कि जब आप इतना अरसा पहले जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, तो आपको वो वाला टूर्नामेंट जो है वो सामने रखना कि हमने ये वाला टूर्नामेंट जीतना है. आपने उस टूर्नामेंट में अपने आप को सिचुएशंस देनी है. ओके, आज हमने अगर पहले बैटिंग करनी है तो वी गोना गो फॉर 350 रन्स. नहीं होते, वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है. किसी मैच में आपने चेज कर रहे हैं, तो अगर आप चेज कर रहे हैं स्कोर 250, आपने कहना हमने 40 ओवर्स में करना है. तो ये अगर आप इस माइंडसेट के साथ अपना ये जो ऑस्ट्रेलिया का टूर है उसको यूज करेंगे, तो बाय द टाइम यू गेट क्लोजर टू द वर्ल्ड कप यू विल बी अ वेरी गुड यूनिट. अच्छी बात है, भारत एक बड़ा कंटेंडर है. लेकिन मदन जी, माइंडसेट की बात हुई, तेज गेंदबाज. मैं सौरभ का माइंड बाद में जानूंगा, लेकिन कई कप्तान कहते हैं मुझे तेज गेंदबाज चाहिए. धोनी का माइंडसेट शायद ऐसा है कि मुझे टप्पे पर डालते रहो आप, क्योंकि वो तेज गेंदबाजों को अनलीश नहीं करते. शायद उनको डर है कि यार ये 60 रन भी खा लेगा, 70 रन भी खा लेगा. उनको शायद चाहिए वो गेंदबाज जो टप्पे पर डालते रहे, अपना काम करते रहे, 50 ओवर हो जाए. नहीं, देखिए, आपका जो पेस अटैक है बहुत अच्छा होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर शुरू शुरू में आपको ब्रेक थ्रू मिलता है, एक दो अगर आप विकेट्स निकालते हैं, तो प्रेशर जो है बिल्टअप होता है दूसरी टीम के ऊपर, और उसके साथ साथ में फिर स्पिनर भी काफी ज्यादा अच्छा करते हैं. कंडीशन जो ऑस्ट्रेलिया में है उसका डिफरेंट, उसमें प्रेशर डाल सकते हैं स्पिनर अगर 3 आउट हैं या 4 आउट हैं, तो उससे क्या है कि स्पिनर पर यह है कि ये नहीं है कि टप्पे पे, देखिए टप्पे पे डालना, थोड़ी सी मूवमेंट होना भी बड़ा जरूरी है उसके साथ साथ. और हमारे बॉलर गेंद कर रहे हैं अच्छा. उमेश यादव है 140-142, अब कल मैं उसको देख रहा था, भुवनेश्वर को, उसने गेंद काफी अच्छा चला. और उसके खासियत क्या है, गेंद को अंदर भी लाता है और बाहर भी निकालता है, इसमें ज्यादा चांसेस रहते हैं आपको विकेट निकालने के. और बाकी जो हमारे स्पिनर्स हैं, मेरे हिसाब से तो बॉलिंग जैसा हमारे पास है उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि काफी अच्छा है. ये डिपेंड करता है कि आप कंडीशन कितने जल्दी यूज होते हैं और कहाँ पे आप टिप्पा डालना जल्दी. जैसे हम बात करते हैं हमेशा कि हमें बाहर जाके कहाँ पे गेंद करना चाहिए, ये बड़ा जरूरी रहता है, क्योंकि बाउंस होता है ऑस्ट्रेलिया में. सौरभ को भी मालूम है, अमेर को भी मालूम है कि इवन गुडलेंथ बॉल को भी लोग पीछे जो बल्लेबाज है पीछे जाके कट कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं. तो वहां पे जल्दी जल्दी सेटल होना बड़ा जरूरी है. पर हमारी बॉलिंग अटैक है, ऐसी कोई बात नहीं है. मैं मेरे को कॉन्फिडेंस दे दी है. आपकी आवाज आ रही है. दादा, विराट कोहली पिछले वर्ल्ड कप में एक प्लेयर थे, इस वर्ल्ड कप में सब कुछ शायद उन्हीं पर है. वो प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रेशर तो हैंडल अच्छा किया, लेकिन जब बैड फॉर्म आई उससे निकलने में बड़ा वक्त लगा.
बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा चीज़ होता है क्योंकि जब आप शुरू करते हैं तो बड़े प्लेयर के साथ खेलते हैं। जब विराट कोहली ने शुरू किया, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, इनके साथ खेले हैं तो एक्सपेक्टेशंस इनके ऊपर ज़्यादा होता था और फिर विराट कोहली के ऊपर, और अब वो रोल्स चेंज हुए और ये कम्प्लीटली गेम बदल देता है। बट जितना मैं विराट कोहली को देखा हूँ 3-4 साल से, उन्होंने इस प्रेशर के अच्छा रिएक्ट किया है। उन्होंने अभी तक 20 शतक लगा चुके हैं वनडे में और दुनिया के हर कोने में जाके उन्होंने शतक लगाया है। वनडे क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं, साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज दी है। मैं आपके साथ सहमत हूँ कि इस भारतीय टीम में उनकी बैटिंग, उनकी परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा भारत का वर्ल्ड कप जो दौरा होगा ऑस्ट्रेलिया में। अगर विराट कोहली अच्छे खेलते तो हम अच्छी टीम बनेंगे और मेरे ऊपर उनका कॉन्फिडेंस है। बेशक इंग्लैंड में उनकी सीरीज अच्छी नहीं गई, सफल सीरीज उनके लिए नहीं रहा, लेकिन जब आप खेलते हैं, जब आपकी करियर चलता रहता है तो ऐसे छोटे मोटे ब्लिप्स आते हैं तो आपको उससे जल्दी निकलना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि विराट कोहली के पास वो एबिलिटी है, वो मैच विनिंग एबिलिटी है जिससे कि वो भारत को आगे ले जा सके। कुछ सवाल ले लें, सवाल क्या भारत वर्ल्ड कप जीत सकता है? जी दिस क्वेश्चन इज फॉर सौरभ। India's bowling in the death overs, we are consistently leaking a lot of runs, and the idea of bowling yorkers or the slower ones, I don't think after Zaheer left we have really mastered the art of yorkers. देखिए ये सारे यंग बॉलर्स हैं, मोहम्मद शमी, उमेश यादव, ये ज्यादा से ज्यादा भारत के लिए नहीं खेले हैं तो उनको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा अपने आप को इस जगह पे लेके आए जहीर खान की जगह। और अगर आप ओवरऑल वनडे क्रिकेट देखेंगे, हाल ही में वनडे क्रिकेट के रूल्स बदल चुके हैं। आपको हमेशा 5 फील्डर सर्कल के अंदर रखना पड़ता है जो बहुत मुश्किल है किसी भी गेंदबाजों के लिए, स्पिनर के लिए हो या फास्ट बॉलर के लिए हो। एक तो आपकी बल्लेबाजी, हर टीम की बल्लेबाजी आगे बढ़ चुका है, स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, और उसके साथ अगर आप हर समय आपको सिर्फ 4 फील्डर बाहर रखना पड़े स्पेशली भारतीय कंडीशंस में, तो बॉलर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हम वसीम अकरम हो, वकार हो, कर्टली एम्ब्रोज हो, कपिल देव, श्रीनाथ, ये सब बॉलर्स को देखते आए हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि क्रिकेट चेंज हुआ है और आजकल बॉलर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। सिर्फ भारतीय गेंदबाजी नहीं, लसित मलिंगा छोड़ के आप दुनिया में किसी भी गेंदबाज देख लें, उतना कंसिस्टेंट नहीं रहा है एंड ओवर्स में। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ भारतीय क्रिकेट में ही नहीं, ये प्रॉब्लम हर टीम में है, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा। और मैं जैसा मैंने कहा, हमारी गेंदबाजी कभी हमारी स्ट्रेंथ नहीं थी। हाँ, हम कभी अच्छे थे, कभी अच्छे नहीं थे, लेकिन बल्लेबाजी ने हमको जिताया है। तो भारत के लिए ये जो वर्ल्ड कप दौरा होगा ये डिपेंड करेगा हम कैसे बल्लेबाजी करते हैं, उसी हिसाब से हम आगे जा पाएंगे या पीछे रह जाएंगे। जी, कल धर्मशाला में जो मैच हुआ था उसमें अक्षर पटेल को खिलाया गया, अमित मिश्रा को बाहर किया गया, रविंद्र जडेजा लगातार खेल रहे हैं जबकि कल उन्होंने 10 ओवर में 80 रन दिए थे। तो जो टीम की जो स्पिन बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ है, अभी अश्विन बाहर हैं, उनको रेस्ट दिया गया है, तो ये जो चेंज होते रहे हैं, अमित मिश्रा को कुछ चांस मिलता है लेकिन वो फिर बाहर हो जाते हैं, कुलदीप यादव को टीम में लाया गया लेकिन उनको चांस नहीं मिला, उनकी जगह जब अक्षर पटेल आए उनको पहले मौके में उनको चांस मिल गया। तो जो टीम का स्पिन अटैक है उसको कैसे देखते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है मिडल ओवर्स में वो बेसिकली स्पिन पर बहुत डिपेंड करती है, और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस को देखते हैं। देखिए, स्पिन हमेशा हमारा स्ट्रेंथ रहा है और मैं आपके साथ सहमत हूँ कि अमित मिश्रा को बाहर किया गया और अक्षर पटेल को खिलाएगा, लेकिन ये वर्ल्ड कप का समय है, 3-4 महीने बाद वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं अगर आपको प्लेयर्स अच्छे लगे, कोई प्लेयर लगे जो आपका गेम बदल सकता है, आपका टीम मजबूत कर सकता है, आप उसको मौका देते हो। और मुझे लगता है अक्षर पटेल ऐसे क्रिकेटर हैं जो 7 या 8 नंबर पे भारत के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। वो बड़े मैच के प्लेयर हैं, उनका बिग मैच टेम्परामेंट है, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ टीम मैनेजमेंट के साथ कि उन्होंने अमित मिश्रा को, क्योंकि अमित मिश्रा ने दिल्ली में बहुत बेहतरीन बोली की है, तो आपको पता है अमित मिश्रा क्या करते हैं, अगर ज़रूरत होगा तो आप उनको ज़रूर वर्ल्ड कप लेके जाएंगे उन कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे रिस्ट स्पिनर्स बहुत सफल हुए हैं। बट अक्षर पटेल को मौका देना मैं समझता हूँ कि बहुत समझदारी की बात है। अमित, राइट आर्म लेग स्पिनर की बात हुई, अमित मिश्रा एक अटैकिंग स्पिनर है, ज्यादा खेलते नहीं है क्योंकि अश्विन और जडेजा ज्यादा खेलते हैं। आप जब वर्ल्ड कप जीते 1992 में, आप लेफ्ट आर्म स्पिन कर लेते थे और मुश्ताक भी थे उसमें,
राइट आर्म लेग स्पिनर आप 11 में डालेंगे अमित मिश्रा को कि नहीं डालेंगे? बिल्कुल डालना पड़ेगा, जिस तरह अभी सौरभ ने बात की कि जो रूल्स चेंज हुए हैं, आपको 5 फील्डर दायरे के अंदर रखने हैं, तो अब आपका एज ए कैप्टन माइंडसेट है नॉट डिफेंसिव, आपने विकेट हासिल करने की जरूरत कोशिश करनी है, और लेग स्पिनर्स जो हैं वो यूटिलिटी लेके आते हैं, आप कप्तान को जो है वो लग्जरी देते हैं कि वो अपना माइंडसेट अटैकिंग करे और विकेट हासिल करने की कोशिश करे, और इस वर्ल्ड कप में टेस्ट ये है कैप्टन्स का कि कौन सा कैप्टन जो है इस रूल्स के तहत ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस के ऊपर अपनी बॉलिंग को किस तरह यूज करेगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया में जब आप वनडे की बात करते हैं, एट टाइम्स देयर आर क्वाइट अ फ्यू पिचेस जहां पे बैटिंग करना आसान है क्योंकि गेंद आपको अच्छा नजर आता है, बाउंस के साथ अगर आप यूज टू हो जाते हैं तो आप ऐसा ऐसा स्ट्रोक मारते हैं कि आप खुद जो है अपने आप से पूछते हो यार ये किस तरह लग गया। सो बैटिंग जो है एट टाइम्स व्हेन यू गेट यूज टू इट आसान है, वहां पे कैप्टन्स के माइंडसेट का इस वर्ल्ड कप में जो है वो इम्तिहान होगा कि कौन सा कप्तान अपने बॉलर्स को अटैकिंग ऑप्शन इस्तेमाल करता है। अगर आप 5 फील्डर आगे रख के अपने बॉलर को ये कहेंगे कि यार लाइनर लेंथ के ऊपर गेंद डालो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, यू हैव टू थिंक ऑफ पिकिंग अप विकेट्स, और उसके लिए मेरा ख्याल है लेग स्पिनर जो है वो बहुत जबरदस्त ऑप्शन है, वो तो आपको खिलाना पड़ेगा। मतलब जी ऑफ-स्पिनर अश्विन एक्सपीरियंस है, कप्तान उनको लगातार खिलाते रहते हैं, और लेफ्ट हैंड स्पिनर रविंद्र जडेजा, 3 तो वहां पर खेल नहीं सकते ऑस्ट्रेलिया में, आपके लिहाज से 2 खिलाएंगे या कौन से खिलाएंगे 2? देखिए मेरे हिसाब से खिलाना महाराष्ट्र को खिलाना चाहिए, क्योंकि बैटिंग भी काफी अच्छी कर लेते हैं, और बॉल देखिए उन्होंने उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है बॉलिंग में, और उसके साथ रविंद्र जडेजा जो है एक ऑलराउंडर है और यूटिलिटी क्रिकेटर है और फील्डर बहुत अच्छा है, तो ये 2 स्पिनर मेरे हिसाब से बनते हैं क्योंकि इन्होंने हमेशा अच्छा किया भी है और ये खेलते आ रहे हैं, और यही पैटर्न से मेरे को लगता है कि धोनी खेलेगा भी। अच्छा दादा, प्रेशर की भी पहले बात चल रही थी, आपकी टीम 2003 में क्योंकि पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल खेल रही थी, प्रेशर तो था, आप बहुत अच्छी टीम से हारे लेकिन प्रेशर तो था, उसके बाद लगातार इंडिया अच्छा खेलता रहा, अब धोनी ने ICC की 3 ट्रॉफीज जीती हैं, वो प्रेशर कप्तान किस तरह से हैंडल करता है और प्रेशर का ना होना वो टीम की सक्सेस में कितना कंट्रीब्यूट करता है? देखिए थोड़ा सा प्रेशर स्पोर्ट में होना जरूरी है, वो अपने हर प्लेयर को जगा के रखता है, हर प्लेयर को सोचने पे मजबूर करता है, आप किसी भी टूर्नामेंट पे एकदम बिल्कुल फ्री माइंड से नहीं जा सकते, वो टीम के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आपका प्रश्न समझा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब इंडिया खेलती है इंडिया जनरली 1 या 2 प्लेयर के बेसिस में जीत जाता है, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया जीता है लास्ट 3 वर्ल्ड कप, जनरली उनपे 3-4-5 प्लेयर एक साथ सब मिलके परफॉर्म करते हैं एंड दे गॉट सो ऑलमोस्ट क्लिनिकल परफॉर्मेंस होता है उनका। वो अलग टीम था, हर कंट्री के पास वैसा टीम नहीं होता, जो आमिर बात कर रहा था ऑस्ट्रेलिया टीम, अगर आप 2003 की जो ऑस्ट्रेलिया टीम हो उनको अगर उठा के देख लें तो जो प्लेयर्स हैं उनके हर प्लेयर जिता के ले जा सकता था मैच, मैथ्यू हेडन, गिलक्रिस्ट, पॉन्टिंग, मार्टिन, उनकी बॉलिंग अटैक देख ले, फास्ट बॉलर्स मगरा, ब्रेटली, डैमियन फ्लेमिंग और शेन वॉन, तो हर टीम के पास वो रिसोर्सेज नहीं होते, और जिस टीम के पास वो रिसोर्सेज नहीं होते वो थोड़ा धक्का खा के आगे बढ़ता है। लेकिन 2011 में भारत ने बहुत बेहतरीन वर्ल्ड कप खेला था, क्योंकि सिर्फ एक मैच हारे थे पूरा वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के सामने, और उन्होंने आखिर तक जीता, ऑस्ट्रेलिया को हराए, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल पाकिस्तान और फाइनल श्रीलंका, तो भारत ने बहुत कंसिस्टेंसी दिखाई है 2011 वर्ल्ड कप में। तो मैं ये शायद भारत के लिए सोच सही नहीं है कि जो ऑस्ट्रेलिया टीम 2003 या 2007 में जो डोमिनेट किया था, लेकिन भारत ने भी 2011 वर्ल्ड कप बहुत अच्छी तरह से जीता है, तो हम भारत को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अच्छा अजय जडेजा हमारे बीच में, और अजय ऐसा लग रहा है जैसे 47वें 48वें ओवर में आपकी बैटिंग आई है, क्योंकि आप थोड़ा लेट हो गए हैं, 2-3 ओवर रह गए हैं, और टॉपिक जो है वो ये है कि क्या भारत डिफेंड कर सकता है टाइटल ऑस्ट्रेलिया में, क्या भारत वर्ल्ड कप जीत सकता है, क्योंकि आप 1992 ऑस्ट्रेलिया में खेले थे, आमिर भाई की टीम जीती थी, इस बार क्या धोनी दोबारा वर्ल्ड कप जिता सकते हैं? पहले तो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज कि मैं लेट आया हूँ यहाँ पे। कोई बात नहीं, 3 ओवर बहुत होते हैं, आपने बैंगलोर क्वार्टर फाइनल में 3 ओवर में तो खेल कर दिया था पाकिस्तान के खिलाफ। रही बात वर्ल्ड कप की, आई थिंक आप और मैं ओपन कर रहे हैं तो जीतना मुश्किल है, इंडियन क्रिकेट की प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त हमें यही नहीं पता कि कौन खेलने जाने वाला है, कप्तान का तो लग रहा है कि शायद वो ही रहेंगे लेकिन बाकी टीम का ही नहीं पता, तो इस वक्त यहाँ बैठ के ये सोचना कि क्या इंडिया ये टाइटल डिफेंड कर सकता है, मेरे लिए ऑलमोस्ट ये शॉट इन द डार्क है, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपकी टीम कौन जाने वाली है। अगर मेरे को आप बोलें कि वीरेंद्र सहवाग फुल फॉर्म में होंगे, युवराज सिंह होंगे, हरभजन सिंह होंगे,
तो एक अलग टीम है। अभी की जो टीम है, अगर यही टीम जाने वाली है तो एक सिंपल आंसर मेरे हिसाब से तो यही है कि ये इनमें वो स्किल्स मुझे तो नजर नहीं आती। होप यही करते हैं, हर टीम जो जाती है खेलने जीतने के लिए जाती है, कोशिश करती है। जैसे आपने कहा मेरे एक्सपीरियंस की बात, तो मैं एक शेयर करूंगा कि पहला वर्ल्ड कप जो 92 की आपने बात की, मैं पहला टूर था मेरा, मैं वहाँ पहुँचा ही था। जब तक मैं वहाँ पहुँचा तब तक वो टीम डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वर्ल्ड कप जब हमने खेलना शुरू किया, ऑलमोस्ट 4-5 लोग इतने सीनियर थे, अपनी अपनी 3 महीने से वहीं पे थे, 3 महीने से वहीं पे थे, टीम डिस्ट्रॉय हो गई थी। एक टीम का कोई पर्पस तो यही था वर्ल्ड कप जीतना, बट इंडिविजुअल का भी माइंडसेट वो होना चाहिए, टीम की प्रिपरेशन वो होनी चाहिए। तो किस तरह से यहाँ से आप वर्ल्ड कप तक पहुँचते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और तभी आप बता पाएंगे और सोच पाएंगे कि क्या रियलिस्टिकली पॉसिबल है कि नहीं। ओवरऑल हम सब इंडियंस होप करते हैं इस बार भी सेम वही चीज़ है ना। आप पहले वहाँ पर जाकर 4 टेस्ट मैच खेलेंगे, बड़ा लंबा दौरा होगा। जिस तरह से भारत टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है और ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, शायद मुश्किल सीरीज होगी, फिर ट्राई सीरीज होगी। यानी कि वर्ल्ड कप तक पहुँचते पहुँचते दो बड़ी जो लेग्स हैं वो हो चुकी होंगी। इसलिए कह रहा हूँ ना कि अभी बहुत दूर है, ये दो पड़ाव हैं बीच में, इस दो पड़ाव में हम कैसे रिएक्ट करते हैं। आप उसमें एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे या आपको लगता है कि नहीं, सेलेक्टर्स ने लॉक कर दी है, टीम यही है? देखिए, थोड़े दिन पहले हम टीवी पे भी बात कर रहे थे, मेरे हिसाब से तो सिलेक्टर और धोनी अलग चल रहे हैं। आप अगर देखें, धोनी जब अपनी टीम चलाते हैं चेन्नई सुपर किंग्स, जहाँ पे सिलेक्टर नहीं है, उस टीम में कई लड़के हैं जो इंडियन टीम में पिछले 6 महीने से ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन जब वो किसी को बॉल देते हैं, खुद जब कप्तान है और खुद टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो पहला ओवर आखिरी ओवर हो, वो बॉलर ही अलग है। जो इंडियन टीम में बॉलर है वो तो बाहर बैठा है। तो एक क्रिकेट अलग चल रही है। आप ये क्या, दूसरी तरफ आप देख लीजिए, कोलकाता नाइट राइडर्स जो दूसरी टीम पहुंची, उसमें वो फाइनल्स तक पहुंचती है। उमेश यादव जो इंडिया के लिए कल बॉलिंग कर रहे थे परसों, वो वहां पे उस टीम में नहीं सिलेक्ट होते। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक बिल्कुल गैप चल रहा है, या बहुत सारी सोचें चल रही हैं। और मेरा मानना है कि किसी भी टीम को एक ही लीडर होना चाहिए। जब 5 लीडर हों या 3 लीडर हों, व्यूज अच्छे हैं, बट फाइनल एक लीडर, अगर एक लीडर होगा तो आपका चांस सबसे बढ़िया बन जाएगा। दादा